हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग न्यूज़ पे भी देख रहे हैं और पूरे दिल्ली वाले और नोएडा वाले परेशान हैं। ये जो बाढ़ की हालत आई है, जो बाढ़ की सिचुएशन है, और दिल्ली में देखिए हर साल ये प्रॉब्लम आती है और इस साल तो बिल्कुल हद हो गई। लोग अभी भी पानी भरा हुआ है, लाल किले तक पानी पहुँच गया, हर जगह पर पानी है, दिल्ली पूरा पानी पानी में डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी सिचुएशन क्या इशारा करती है लोगों के लिए, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। भाई जिनकी मजबूरी है उनके लिए तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, जिनके पास नहीं है, जो इतने सामर्थ्यवान नहीं है, जो इतने कैपेबल नहीं है कि वो कहीं और प्रॉपर्टी ले या कहीं और शिफ्ट हों, लेकिन जो सामर्थ्यवान हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है, जो कैपेबल हैं, उनके लिए इशारा है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन। दिल्ली छोड़िए अब, क्योंकि यहाँ पे हर साल इसी तरीके का पानी भरेगा। आप चाहे जितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के रह रहे हो, आपके घरों तक पानी घुस गया है। आप अब पानी हटेगा भी तो बीमारियों का घर बन जाएगा। ऑलरेडी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, हवा में दिक्कत है वहाँ की। तो ऐसे में दिल्ली तो छोड़ नहीं सकते, NCR तो छोड़ नहीं सकते, तो NCR की कौन सी सिटी में रहा जाए। तो आज के टाइम में अगर आप बात करें पूरे दिल्ली NCR में, सबसे बेस्ट सिटी जो है रहने के लिए है वो है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा इसलिए क्योंकि देखिए ऑलरेडी स्मार्ट सिटी है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वाइड रेंज ऑफ रोड्स है, कभी पानी नहीं भरता, कभी ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है, क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत अच्छा है, और खुली हुई सड़कें मतलब रोड्स हैं, अब ग्रीनरी है चारों तरफ, पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ग्रेटर नोएडा सिटी में आप इन्वेस्ट करिए, प्रॉपर्टी यहाँ पे लीजिए और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दीजिए। क्योंकि देखिए गैस चैम्बर या बाढ़ में आप ऐसी सिटी में रहना कभी कोई प्रिफर नहीं करेगा, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही करनी पड़ेगी। तो आप अपने लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि बाकी जगह का आप कंपैरिजन करोगे, नोएडा में भी 135 में आप देखिए नोएडा में भी बाढ़ आ गई, जो क्योंकि वो कनेक्टेड है दिल्ली में। गुड़गांव में तो हमेशा ऐसे ही जलभराव की प्रॉब्लम होती ही होती है कि दो घंटे बारिश हुई नहीं कि चार चार फुट पानी भर जाता है। लेकिन सिर्फ एकमात्र ऐसी सिटी है ग्रेटर नोएडा, क्योंकि प्लांट सिटी है, ऑलरेडी प्लानिंग फुल प्लानिंग के साथ बनाई गई है, और यहाँ पे हर चीज़ अभी अवेलेबल है। यमुना एक्सप्रेसवे फ्यूचर के लिए है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में अभी या अगले एक दो साल या चार साल में आपको रहना स्टार्ट करना है, तो इस हिसाब से ये एक ऐसी आदर्श सिटी है जहाँ पे आप अभी से रहना स्टार्ट कर सकते हो। भविष्य के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, 15-20 साल बाद की सोच रहे हैं, तो आप यमुना एक्सप्रेस वे में लेके डाल दीजिए। लेकिन मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया कि अभी ओवर प्राइस है यमुना एक्सप्रेस वे, इसलिए उसमें डालने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ग्रेटर नोएडा रहने के हिसाब से पूरी तरीके से एक परफेक्ट प्लेस है। बाकी देखिए हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको एक सही मार्गदर्शन दें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, हमारी कोशिश होती है। तो ये एक इशारा समझिए, कुदरत का इशारा है ये, और ऐसे समय पे दिल्ली से दूरी अब बना लीजिए, क्योंकि दिल्ली में रहने का कोई मतलब नहीं। हाँ, ऑलरेडी आपके बिजनेस हैं तो आप उसको मूव ऑन भी कर सकते हो। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी यही बोलूँगा मैं कि आप इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं तो ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं इतने बड़े बड़े, वहाँ पे आप इंडस्ट्री सेटअप करिए। और एक स्मार्ट सिटी होने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरा सहयोग योगी जी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जैसे शहर में पैसा लगाइए और यहाँ से बढ़िया रिटर्न कमाइए। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे फ्रॉम माई साइड।